शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। उस 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत कि हमारे बेटे पे हाथ उठाएगी, उसे गिराएगी? नहीं, जाओ ढूंढ कर के लाओ। अब देखते हैं कि भक्ति की शक्ति नीचे कैसे आती है। माता जी बचा लीजिए। तुम्हारे माँ पापा कौन है, क्या नाम है उनका? हमारे बाबा का नाम मोहन कुमार सिंह, नीति सिंह। अब आप देखिए हम उस बंदरिया को कैसे मजा चखाते हैं। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। संभाल के चलना चाहिए ना आपको, आपकी तबीयत खराब है। तुम कौन हो बेटा? हमारा नाम श्रवणी है और हम पंटी के साथ खेलने आए हैं। ये लीजिए, प्रसाद खाइए। जीती रहो बेटा और हमेशा ऐसी खुश रहो। और आप भी हमेशा खुश रहो, और आपको कभी चक्कर ना आए। ये चक्कर तो मीठे हैं। हैं? मीठे चक्कर मतलब? तुम नहीं समझोगी, वैसे बड़ी ही शुभ हो तुम हमारे लिए। तुम आई और हमारी ये खुशखबरी साथ लेकर आई। आपको कोई भी काम हो ना तो आप हमें आवाज लगा देना, अब से हम यही रहेंगे। ठीक है। प्रसाद याद से खा लेना, छोड़ना मत। भगवान जी हमें भी ऐसी ही बेटी या बेटा देना। ये लीजिए, प्रसाद खा लीजिए। कहीं दीदी इसका गला ही ना दबा दे। पूरे 50,000 एडवांस दिए हैं हम, वैसे इतनी आसानी से तो मरने नहीं देंगे इस लड़की को हम। दीदी कन्या पूजन वाले दिन हम तुम्हारा अपमान किए, गलती हो गई हमसे, माफ करोगी? और उस दिन तुम बंटी को गिराई जो हो बाजार में, हमें लगता उसी की गलती होगी। हमने उसे समझा दिया कि तुम्हारे साथ प्यार से रहे, खेले कूदे तुम्हारे साथ। जाओ बाहर खेल रहा है वो, खेलो जाके। तो ठीक है, हम पहले बंटी को प्रसाद दे देते। जाओ जाओ जाओ। कमाल कर दिया दीदी आपने, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हमको लगा था कि आप कंटाप रख के देंगे उसके कान पे, आओ तो माफी मांगने लग गए। तभी तभी ठीक है ना बहन, अभी एक रद के कंटाप तुम्हारे मुंह पे देंगे ना तो तुम्हारी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। चंद्रा माफी मांगेगी
वो भी इससे। बंटी को हमने सब समझा दिया, सब संभालेगा। बेटा किसका है? बहुत सही, हम भी ना पगलेट। जाओगे? वही तो, जाएंगे। उन्होंने बोला कि तुम हमारे साथ दोस्ती करोगी। हाँ ये सच है, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। और हाँ, पिछली बार जो हमने किया वो गलत था, पर हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, ऐसी गलती तो सबसे कभी कभी होती रहती है। अच्छा चलो खेलते हैं, ये लो बॉल। पर रुको, ये चुंदरी पहनकर और हाथ में थाली पकड़कर कौन खेलता है? ये सब रख दो। ठीक है, हम रख कर आते हैं, ये लो। अभी पता चल जाएगा, ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगी गुड़िया। खेले? हाँ चलो खेलते। अरे रुको रुको, ये क्या कर रही हो? बैटिंग हम करेंगे, बॉलिंग तुम करो। नहीं, पहले हम बैटिंग करेंगे और तुम बॉलिंग करोगे। अगर तुम्हें करनी है तो हमें हरा के दिखाओ। ये लो। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर बॉल को इधर उधर लग जाए ना तो फिर रोना मत, क्योंकि इस गेम में ना हम बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ वो तो देख लेंगे। कांटों में चली गई, अब अगर हम लेने गए तो हमें कांटे चुभ जाएंगे ना। कांटे तो क्या हुआ, रूल्स तो रूल्स हैं कि जो बॉल फेंकता है वही लेकर आता है। ठीक है, हम लेकर आते हैं। कुछ सांप बाबू को तो मैं काट लूंगा। अब आएगा मजा। बंटी हमें बॉल तो कहीं नहीं दिख रही है। ढूंढो, मिल जाएगी, अंदर जाके देखो। देखना मैं क्या करता हूँ। मिली बॉल? नहीं बंटी, ढूंढो वही होगी।
तो बहुत बड़ी आग लग गई। हमने तो सोचा था कि बस इस बोलने वाली गुड़िया को थोड़ा सा डराएंगे। राम जी, आप भी हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते? कुछ जादू दिखाकर बचा लीजिए ना राम जी। अभी तो हमें माँ बाबा का इलाज भी करवाना है। अगर हमें या कुछ हो गया तो माँ बाबा का क्या होगा राम जी? हमारा जी बहुत घबरा रहा है। हमें श्रवणी की बहुत चिंता हो रही है। भगवान हमारी प्रीति जी, दिया जलाइयो का? हाँ दिया जलाए। पर इस वक्त? हाँ पता नहीं, आज हमारा जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि श्रवणी किसी खतरे में है। ऐसा हमें आज से पहले कभी भी नहीं लगा। जरूर हमारी बच्ची के साथ आज कुछ बुरा हुआ है जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खामखा परेशान हो रही हो। वो कायम है कि हमारी बच्ची कभी हमसे दूर नहीं रही, और ये पहली बार है, इसलिए तुम्हारा मन घबरा रहा होगा। पर तुम चिंता मत करो, हमारी श्रवणी बहुत ही होशियार है, वो बिल्कुल ठीक होगी। हाँ हे भगवान, बस हमारी बच्ची ठीक हो। जल्दी जा सर अंदर जा। इसकी सांसें तो धीरे चल रही हैं, शायद बचेगी नहीं। अरे हम अंदर लेके जा रहे हैं, गुरन को फोन लगाओ, डॉक्टर को जल्दी। हाँ 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 फोन कर रहे हैं। चलो चलो चलो। ये तो माचिस की बू है। हम जानते हैं ये काम हमारे बेटे का ही हो सकता है। ये लड़की तो उठते ही सब कुछ पक देगी। कैसे बचाएं हम अपने बंटी को? ये उठेगी तो हमारे बच्चे का नाम लेगी, ना ही उठे तो भी क्या। ये भी किसी की बच्ची है भगवान, और एक माँ के लिए बच्ची क्या होती है ये आज समझी हूँ मैं, जब मैं खुद माँ बनने जा रही हूँ। रक्षा करना इसकी। ये
ये लो आओ। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, बस फेफड़ों में धुआं जाने की वजह से बच्ची बेहोश हो गई थी, बाकी ईश्वर की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ है। और समय समय पर दवाइयां देते रहिएगा और बच्ची का ख्याल रखिए। ठीक है, हम आपको बाहर तक छोड़ के आते हैं। भैया ये आप दवाइयां मंगवाइए, मैं डॉक्टर को छोड़ के आता हूँ। आइए डॉक्टर अंकल। ये लीजिए, गुड़ खा लीजिए, वैसे थोड़ा सा पिघल गया पर है गुड़। बेटा ख्याल रखना अपना। बिटिया रानी तुम्हें पता है आग कैसे लगी? काहे गई रही वहां? कोई भेजा रहा तुमको? ये तो जरूर सारा इल्जाम हमारे बेटे पर डाल देगी। हाँ बेटा बोलो। दादी नहीं नहीं, वो किसी ने नहीं भेजा था हमें। बस खेलते खेलते चले गए, हमें पता ही नहीं चला आग कब लग गई। बेटा कुछ तो याद होगा। अरे वो कह रही है तो मान लीजिए ना, बात झूठ थोड़ी ना कहेगी। और वैसे भी जो होना था वो तो हो गया, किसी पे इल्जाम डालकर कुछ फायदा तो है नहीं, जाने दीजिए। तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे तुमको पता है कि आग कैसे लगी। अब तुम हमको ये बताओ कि किसकी है ये हरकत? कैसे लगी है आग? हमें कहना नहीं चाहिए पर छोटी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। अब आप इतना जोर दे रहे हैं तो हम बता देते हैं कि आग वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे रखे दिए से जली। हम खुद देखे हैं दिया वहां पर घास में। हमने माँ जी को बहुत बार बोला कि वहां पर दिया मत रखिए, कल को कोई अनहोनी हो जाएगी, बच्चे खेलते हैं। पर माँ जी ने हमें चुप करा दिया ये बोल के कि हम इस घर की मालकिन है, तुम चुप रहो, तुम होती कौन हो बोलने वाली, तो फिर हम क्या बोलते। फिर हम चुप रह गए, आज हो गई ना अनहोनी माँ जी। और भगवान ना करे अगर इस बच्चे की जगह हमारी स्वीटी होती तो सोच के भी हमारा दम घुटा जा रहा है। पर आप तो बंटी ने लगाई थी ना, फिर उसकी माँ ऐसा क्यों बोल रही है? अम्मा चंद्रा जो कह रही है सोच समझ के ही कह रही ना, अब का जरूरत है उसके साथ हर बात मुंह चैटा लेने की। कहा बताएं आपकी हो गई उम्र, सौंप दीजिए अब चंद्रा के हाथों में सब। इस लापरवाही की वजह से ना बहुत बड़ा हो जाता हादसा। बस अम्मा हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। दादी की तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मैं इतनी डांट पड़ गई। केशव लल्ला जब भी
तुम्हारे इस कमरे में आती हूँ ना तो यहाँ की हर एक चीज में तुम्हारा एहसास होता है। अस्पताल में जब तुम्हें देखा ना तो दिल को सुकून मिला कि चाहे तुम हमारे साथ नहीं हो पर तुम और मित्रा ठीक हो। पता नहीं कहाँ होंगी दादी, पूरे घर में ढूंढ लिया हमने। कहीं पर भी नहीं मिली। मुझे तो लग रहा है कि दादी ना कहीं छुप के रो रही होंगी। पता नहीं क्यों आज बहुत मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे पास रहूं, तुम्हें देखूं, जी भर के देखती रहूं और गले से लगा दूं। हम भी जब दुखी होते हैं ना तो ऐसे ही कहीं छुप कर होते हैं ताकि किसी को पता ना चले। ये सब ना उस बंटी की वजह से हुआ है, उसकी वजह से दादी को डांट पड़ी है। आज मैं वो छोटी सी गुड़िया को मिली, श्रवणी। हमें लगा कि अगर तुम्हारी कोई बच्ची होती ना तो बिल्कुल श्रवणी जैसी होती। दादी कहाँ गई? किसका? जब उसने हमें दादी दादी कह के बुलाया ना तो ऐसा ही लगा कि जैसे वो तुम्हारी ही बेटी है और हम सच में उसके दादी हैं। जब भी उसे देखती हूँ ना तो तुम्हारी बहुत याद आती है हमें। चल रहा है तुम्हारे खुराफाती दिमाग में? आपने फिर इसे सुबह सुबह खाली पेट गोलगप्पे खिला दिए ना? अरे बिल्कुल नहीं शबनी, तुमने गोलगप्पे खाए नहीं ना? बाबा दादी आप यहाँ? इस हरकत की वजह से तुम्हें सजा मिलेगी जरूर। ये आवाज कैसी आ रही है इस कमरे में से? कौन होगा अंदर? ताला भी लगा हुआ है। श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।